ये देखो, ये रैनॉक्स का ईवो स्टील जैकेट फाइनल कर दिया। ये वाला जो जैकेट है वो फाइनल कर दिया, बट ब्लैक कलर में लिया है क्योंकि अपने साइज का इनके पास ये कलर में है नहीं। तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि भाई आप ब्लैक है तो ब्लैक ही ले लो। तो चलो अभी अपना जैकेट का तो शॉपिंग हो गया, सो ऑल सेट फॉर IBW। और पैंट्स का भी सोचा नहीं है, बट थोड़े टाइम बाद पैंट्स का भी डिसाइड होने वाला। जैसे IBW की राइड अपनी पूरी हो जाती है फिर उसके बाद पैंट्स भी ले लेंगे, तब तक जस्ट वेट। और ये अपना बिल्डर। कुछ भी मार साले का, खोपड़ी तोड़ खोपड़ी तोड़ साले का, मेरा खोपड़ी तोड़। तो स्क्वाड अभी घर पे तो आ गए, जैकेट वगैरह परचेस कर लिए। वहाँ पे ज़्यादा स्टोर पे मैं ज़्यादा ये नहीं कर पाया, शूट नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट लग रहा था, इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। जैकेट सिलेक्ट किया, उनसे बात की कि जैकेट के क्या क्या मेन फीचर्स है, क्या वारंटी एंड ऑल। उसके बाद जैकेट बाय किया और बहुत मतलब बहुत बारिश थी इसलिए मोटो व्लॉग भी नहीं कर पाया मेरा। एक्चुअली ये जो व्लॉगिंग फ़ोन है आईफोन, वो भी वाटर डैमेज हो चुका था ऑलमोस्ट, बट भगवान की कृपा से वो रिपेयर हो गया ऑटोमेटिक। सो अभी बताता हूँ मैंने कौन सा जैकेट परचेस किया है। सो अभी ये है अपना रायनॉक्स का स्टील ईवो 3 जैकेट। ये देखो सब यहाँ पे स्टील ईवो की ब्रांडिंग रायनॉक्स, और यहाँ पे रायनॉक्स का लोगो। और देखने जाए तो ये देखिए यहाँ पे सब वेंटिलेशन पॉइंट्स दिए हुए, ये एक उसके बाद ये वाला एक वेंटिलेशन पॉइंट है सेम एज। यहाँ पे एक वेंटिलेशन पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे एक पॉकेट दिया है, यहाँ पे एक पॉकेट दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो वेंटिलेशन है उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे हुक दिया है, यहाँ पे एडजस्ट ट्रैप दिया हुआ है, सेम यहाँ पे एडजस्ट ट्रैप एक यहाँ पे सेम एज, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे स्ट्रैप है। और यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए पूरा हुक वगैरह दिया हुआ है एंड ऑल। और थिंग अबाउट द गार्ड्स, चेस्ट पे इस पर है लेवल 1, ऑन शोल्डर है लेवल 2, ऑन एल्बो है लेवल 2, और बैक पे है लेवल 2। बाकी सब जगह लेवल 2 है, खाली चेस्ट पे लेवल 1 है, बट इन फ्यूचर वो अपग्रेड कर सकते हैं। मैंने उनसे बात की रैनॉक्स वालों से, वो बोले कि अब अपग्रेड कर लो, कोई इशू नहीं है आने के बाद, अभी तक लॉन्च नहीं किया इसलिए। और ये जैकेट मुझे कितने में पड़ा, सो ये जैकेट अराउंड मुझे पड़ा 12750, मतलब 12,750 रुपये का जैकेट है ये, बट वर्थ। मैंने रायनॉक्स मतलब माहिम से यहाँ तक लाइक 50-60 किलोमीटर है और मैंने पहन के चला है, वर्थ। रियली बोलो तो वर्थ। कुछ मुझे ऐसा ही लगा कि भाई इतना हेवी जैकेट, कुछ हेवी नहीं है एक्चुअली। मैं आपको पहन के ही बता देता हूँ। सो जैकेट पहनने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है बहुत, मतलब यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2, एल्बो पे लेवल 2, और आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। सो ये देखिए जैकेट्स कुछ ऐसा लग रहा है। यहाँ पे रायनॉक्स की ब्रांडिंग है, रिफ्लेक्टर के लिए ये एक पोर्शन रिफ्लेक्टर है, यहाँ पे आप देख रहे हो स्टील ईवो लिखा है, वहाँ पे एक रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, और बाकी वेंटिलेशन पॉइंट्स वगैरह दिए हुए हैं सब जगह, देख सकते हो। लुक टांगों को ज़रा इग्नोर कीजिए, क्या है अभी चलता है उतना। सो ये है जैकेट। अभी जो भी नेक्स्ट राइड होगी उसमें तो आपको ये जैकेट देखने ही मिलेगा, अभी परचेस किया है तो पहनना ज़रूरी। और हाँ, एक और मेन पॉइंट सब लोग पूछते कि कैसा है क्या है, तो यहाँ पे अराउंड यहाँ पे आपको एक ड्राई पॉकेट मिलेगा, जहाँ पे आप आपका फ़ोन या कुछ भी वैल्यूएबल चीज़ रख सकते हो जो ड्राई रहेगी ऑल द टाइम। सो उसका भी कुछ टेंशन नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।